एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सोनिया इमरान और आज मैं मौजूद हूँ अपने ही घर में। जी हाँ, आज मैं आपको बाहर नजर नहीं आ रही हूँ। इस वजह से कि वजह ये है कि आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जो कि है पिज्ज़ा फ्राइज विद चिपोटले सॉस। और इसके लिए हमें स्पॉन्सर करा है हाशमी मसाला स्टोर ने, और उन्होंने जो है ज़बरदस्ती ये फ्राइज की सीजनिंग हमें भेजी है, जो कि है बड़ी ही ज़बरदस्ती। और इसमें आपको मिल जाएंगे 24 फ्लेवर्स, और अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इनके स्टोर पे जाके भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए मैं स्क्रीन पे इनका नंबर चला दूँगी। और इनके पास हैं बहुत सारे फ्लेवर्स जो कि हैं फ्राइज़ के, सिंपली आप फ्राइज पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं बना रही हूँ आज पिज़्ज़ा फ्राइज विद चिपोटले सॉस, जैसे कि आप मेरी रेसिपी में देखेंगे। और ये सिर्फ है 60 रुपीज़ में, इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो आप 3-4 फ्लेवर भी लेके अपने बच्चों को जो है वो मज़ेदार से फ्राइज बना के खिला सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट, और आप मेरी रेसिपी में देखेंगे चिपोटले सॉस की रेसिपी, और चिकन टिक्का रेसिपी बनाएंगे हम, और उसके बाद हम जो है वो असेंबल करेंगे पिज़्ज़ा फ्राइज। तो चिकन की मैरिनेशन करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे, और ये दो टेबलस्पून जो है वो दही इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इनका टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, हाशमी मसाला स्टोर का टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। तो चलिए इसको खोलते हैं और बनाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो टिक्का मसाला पे रेसिपी जो है वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सिरका, और आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। टिक्का मसाला जो टिक्का चिकन है वो हर किसी को बनाना आती है, आसानी से बन जाती है, ठीक है जी। इसको करते हैं मैरिनेशन, और इसको आप लगा के भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लगा के रखें, बना भी लें कोई मसला नहीं है। तो ये हो गई इसकी चिकन की मैरिनेशन। 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हमने चिकन बना लेंगे। ये चिकन बनाना आसान है, हर बंदे को आता है बनाना, ठीक है ना। ये टिक्का चिकन है और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, और हर किसी को बनानी आती है। इसमें कोई जो है वो कोई हार्डन फास्ट फूड नहीं, कोई हाथी घोड़े नहीं लगते इसमें। आप जो है वो आसानी से इसको बना सकते हैं। और इसको हम करेंगे सौते, और इसको जो है वो इतना फ्राई कर लेंगे कि ये जो है इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है जी। और गैस ने आजकल किया है बहुत परेशान, तो गुजारा करना पड़ेगा इसके साथ। तो चलिए इसको जो है वो कलर चेंज होने तक पकाएंगे, और फिर इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देंगे इसी के पानी में, दही के पानी में। इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बनाना आसान है, हर बंदे को आता है। तो स्टेप 2 इसका ये है कि हम जो है वो चिपोटले सॉस बनाने जा रहे हैं, और चिपोटले सॉस बनाने के लिए मैंने जो है वो ये मेयोनीज ले ली है, और ये मेयोनीज जो है वो तकरीबन आपको एक कप के बराबर ले लेनी है, ठीक है जी। एक कप के बराबर मेयोनीज है, और इसको आपने ले लेना है। और इसके बाद हमने इस सॉस में जो है वो थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, ये चिपोटले सॉस है, और इसमें थोड़ी शुगर ऐड करेंगे, कुछ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, थोड़ी सी पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, बाकी अपने फ्लेवर के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसमें सिरका यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे इसके अंदर हम। और हमारे पास है ये सोया सॉस, ये चिली सॉस, इसको ज़रा हिला लें और फिर डाल लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ये भी 2 टेबलस्पून डालेंगे, और जो है इसके बाद हम सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। और इसको हम कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से, इसको स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका, ठीक है। स्मूथ इसका पेस्ट बन जाएगा, और मैं आपको बताती हूँ ये थोड़ा सा होगा गाढ़ा, तो मैं इसमें पानी डाल के इसको पतला नहीं करती हूँ। मैं इसको जो है वो जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसको जो है किससे पतला करती हूँ, मैं इसको करती हूँ दूध से पतला। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा दूध डाल सकते हैं। और इसके खास इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं, इसके अंदर आपको गार्लिक वाला केचप भी डालना है, जो कि चिली गार्लिक सॉस होता है, वो भी 2 टेबलस्पून के करीब आप डाल लें इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस। और
केचप भी डालना है इसके अंदर, जो सिंपल केचप होता है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये 3 टेबल स्पून का, तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। तो इसका असल टेस्ट जो है वो चिपोटले सॉस का इन दोनों चीज़ों से ही आता है, और दोनों फ्लेवर के जो है वो केचप डालेंगे, चिली गार्लिक भी और चिली गार्लिक भी, और सिंपल जो केचप होता है वो भी डलेगा, और हमारा चिपोटले सॉस हो गया है तैयार। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप ये था कि मैंने इसको आलू को जो है वो इक्वली काट के फ्राइज की शेप में, और इसको मैंने जो है वो पानी में भिगो दिया था। आप लोगों को भी इसी तरह करना है कि इसको पानी में भिगो लेना है फ्राइज को। और जो है ये मैंने 5 आलू काटे थे इस साइज़ के, साइज़ आपको दिखा दूँ मैं, ये वाला साइज़ है, और ये बड़े वाले आलू मैंने ले लिए थे। फ्राइज़ का जो है वो आलू का मैंने पानी जो है वो ड्रेन स्ट्रेनर कर लिया है, इसको स्ट्रेन कर दिया है, और इसके बाद इस पर सिंपल सिर्फ हमें जो है वो जो लगाना है वो कॉर्नफ्लोर है, और कॉर्न आलू इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि जिससे ये रेसिपी पूरी तैयार होगी, पिज़्ज़ा फ्राइज विथ चिपोटले सॉस। और इसको आपने अपने अंदाजे से लगाना है, ठीक है, हाथों का इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है, मेरे हाथ धुले हुए हैं। और इसको जो है वो कोटेड करके हमने रख लेना है, कोटेड करके, और इसका बना लेना है हमने, और इसको फ्राइज की तरह तल लेना है। तलना तो सबको आता है, सिंपल तरीका है तलने का। और अच्छा, तो ये बारबेक्यू स्मोक फ्लेवर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ ये सिंपल बारबेक्यू फ्लेवर का जो है मसाला ऐड करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर लें। और मैं कर रही हूँ इसमें ज़्यादा, क्योंकि जो है वो मेरे बच्चों को तो ज़्यादा फ्लेवर पसंद है, लेकिन उनके अब्बा को जो है वो बड़ी चखाएदार चीज़ें पसंद है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो मसाला इसमें जो है स्प्रिंकल कर लिया है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। तो आप भी अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और इसमें जो है वो ज़बरदस्त मिला लें इसको। अब मिलाने के बाद फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम जो है वो ये फ्राइज जो है वो लेयर लगाएंगे इसकी फ्राइज की, बेकिंग इसमें, ताकि हम इसको बेक कर सकें माइक्रोवेव में। ये लगा लिया, इसके बाद हमने डाल दी चिकन। चिकन के बस चंक्स ऐसे ही आपको हल्के हल्के से चला देने। सेकेंड स्टेप ये है कि इसमें चिकन डालेंगे, और फिर डालेंगे चिपोटले सॉस। चिपोटले सॉस डाल दिया मैंने, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी होने वाली है। और मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में ये शिमला मिर्च थी, जो कि मैंने इसको कट करके रख लिया था थोड़ा सा इसको कलरफुल दिखाने के लिए, तो ये डालेंगे। और इसके पास ये हमारे पास चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़, जो कि हमें हाशमी मसाला सुपर स्टोर ने भेजी थी, और इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये आपको जो है 1/2 kg का पैक मिल जाएगा, और 1 kg का और 2 kg का पैक मिल सकता है, आप लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये है पिज़्ज़ा चीज़, और इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके अंदर, इसको स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद मैं एक और लेयर बनाऊंगी, और बड़े रिच से बनने वाले हैं ये। अब मैं एक और लेयर लगा रही हूँ इसी फ्राइज की। लेयर लगाने के बाद दोबारा हम यही चीज़ें डालेंगे, और सॉस को अच्छे से डाल देंगे, और मसाला हमने अच्छे से मिला लिया था फ्राइज पे, और क्रंची से फ्राइज बने हुए हैं मेरे, और मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया था जस्ट। और चिकन डालेंगे अगेन हम लोग चिकन डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा हम ऊपर भी जो है वो गार्निशिंग के लिए रखेंगे, और चिपोटले सॉस डालेंगे। ये है हमारा चिपोटले सॉस जो कि हमने बनाया था, इसको हम डाल रहे हैं इसके अंदर, अच्छा सा डालना है, ड्राई ड्राई ना रहे, इसको जो है वो डाल। इसके बाद मैं अगेन डालने वाली हूँ ये पिज़्ज़ा चीज़, जो कि श्रेडेड है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, रेडी है बिल्कुल। अच्छे से डालें, बच्चों को चीज़ पसंद होती है, और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और ये मैं चिकन के कुछ चंक्स डाल दी, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है वो शिमला मिर्च डाल देंगे, और लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें ये जो है वो ऑरिगैनो डाल रही हूँ, ऑरिगैनो यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा जो है वो आप इसको स्प्रिंकल कर दें, हाथ में लेके भी कर सकते हैं।
और इससे जो है ना फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, खुशबू अच्छी हो जाती है। तो ये हमारे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज तैयार। इसको मैं जो है 10 से 10 मिनट के लिए जो है वो माइक्रोवेव करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। आ गया है टाइम फ्राई करने का और हम करेंगे ये ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा फ्राइज विथ चिपॉटले सॉस ट्राई। और बड़े ही ज़बरदस्त से बने हैं, 10 मिनट इसको माइक्रोवेव किया है जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए। इतना मेल्ट करें इसको कि मतलब इतना चलाएं माइक्रोवेव के चीज़ मेल्ट हो जाए। और बड़े ज़बरदस्त से आप देख सकते हैं लम्स भी बन रहे हैं। तो चलिए करते हैं ट्राई और देखते हैं ये 60 रुपीज़ की सीजनिंग में क्या जायका है। ऑनेस्टली टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने ना नमक डाला है ना कुछ, सिर्फ इनकी सीजनिंग डाली है और बाकी की चीज़ें डाली हैं। फ्लेवर ऑसम है, ज़बरदस्त है। तो इसको आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आएगा और मंगा सकते हैं ये ज़बरदस्त फ्लेवर्स। और लोग भी अगर ये ज़बरदस्त सीजनिंग हासिल करना चाहते हैं, ये फ्राइज़ों के नाम से है और ये जो है वो आपको मिलेगी हाशमी मसाला सुपर स्टोर पर, जिसका नंबर भी मैं चला दूंगी। आप उस पर ऑर्डर भी कर सकते हैं और इसकी लोकेशन है नाजमाबाद नंबर 3 पे मेन गोल मार्केट पे, हाशमी मसाला सुपर स्टोर के नाम से है इनका स्टोर। और इनके स्टोर पे जो है ऑल आइटम्स मिलते हैं, यानी कि जो है वो कुकिंग रेंज आपको सारी मिल जाएगी, सारे मसाले मिल जाएंगे, बिरयानी का, कुन्ना का, और ह्यूज रेंज है इनके पास मसालों की। और इनके पास ऐसे ऐसे मसाले हैं कि हमारी सोच है, यानी आप जो है वो हांडी का नाम ले, रेसिपी का नाम ले और ये आपको जो है वो कुकिंग की जो है वो रेंज निकाल के पूरी दे देंगे मसालों की। और इनके पास जो है वो फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, ज़बरदस्त हैं। तो ज़रूर कहूँगी कि ऑर्डर करें अपने बच्चों के लिए, ज़बरदस्त सीजनिंग है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।